हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, सो लेट मी चूज अ पेन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेक्चर वन में क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि करेंट जब भी पास होता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, ठीक है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है। तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा कि क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक। अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा होता है इसको देख लीजिएगा। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जो कि हमने बात किया था पिछले लेक्चर में, उसको थोड़ा सा सही से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। ये ओपन सर्किट है, ठीक है, और ये क्लोज सर्किट है। ओपन और ये है आपका कंपास। ओके, कंपास में ये नॉर्थ की तरफ जो एरो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, ठीक है। जब करंट इस सर्किट में नहीं बह रही है, ठीक है, या सर्किट ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट क्या होगा, इस सर्किट में नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अगर करंट इस सर्किट में नहीं फ्लो कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो देखिए नॉर्थ की तरफ अपना पॉइंट कर रहा है, और ऑब्वियसली वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एक सर्किट को क्लोज किया, ये आपने स्विच ऑन किया, सर्किट क्लोज हुआ, ठीक है, फिर क्या होगा, करंट इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा। आप जैसे ही करंट इस सर्किट में फ्लो करता है तो आपने देखा कि मैग्नेटिक जो कंपास था, जो ओरिजिनली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्लेक्शन शो करने लगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करने लगा, दैट मीन्स कि करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, तभी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे करंट नहीं था, यहाँ पे नो करंट था, तो वो अपना, क्योंकि उसको नॉर्थ में ही रहना है, तो वो अपना नॉर्थ की तरफ ऐसे पॉइंट करता हुआ हमेशा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अगर डिफ्लेक्शन शो करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन है कि डिफ्लेक्शन शो किया, अगर डिफ्लेक्शन शो किया तो देयर मस्ट बी सम कंक्लूजन, ठीक है, सम मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल करके आया कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी तो एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने ये समझ में आया कि अगर सर्किट में करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट कि अगर स्ट्रेट वायर है, ठीक है, समझ लीजिए आपका वायर ऐसे स्ट्रेट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ठीक है, कुछ मत करिए आप। ये जो कंपास है, कंपास को हर एक पॉइंट पे रखिए और देखिए कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और सारे डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट्स है वो आपको समझ लीजिए, लेट अस से कि हमारा जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ से, ठीक। तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये इस पॉइंट से करंट अंदर से स्क्रीन से चल के आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। आप क्या करिए, इस प्लेन में, ये जो प्लेन आपका स्क्रीन का प्लेन है, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आप प्लेन देख रहे हैं, वहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप क्या करना है, कंपास रख दिए, समझ लीजिए यहाँ पे रखें, ये ऐसा बना, यहाँ पे रखें तो आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रखें वो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे रखें तो ऐसा बनता हुआ दिखा, यहाँ पे रखें ऐसा बनता हुआ दिखा, यहाँ पे रखें ऐसा बन रहा है, यहाँ पे रखें ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ऐसा बन रहा है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको जो भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं ना, जो भी ये, इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। तो आप जब ज्वाइन करते हो, ठीक है, स्क्रीन वाले प्लेन में बात हो रही है, जब ज्वाइन करते हो तो आपका जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आ जाती है। क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा कि अगर करंट इस पॉइंट से, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, अगर सर्कुलर वायर में करंट बाहर की तरफ
अंदर स्क्रीन के अंदर से स्क्रीन की बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है हर इस प्लेन में, आपने जो कंपास है हर एक पॉइंट पे रखा और सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो आपका कंक्लूजन आया ठीक है कि इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, ये करंट आउटवर्ड करंट, ठीक है आउटवर्ड करंट शो कर रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसा बनता हुआ दिखेगा ठीक है। उसी को यहाँ पे और तरीके से दिखाया हुआ है, लेट मी एक मिनट कहाँ गया कर्सर, ये मैं अभी एक मिनट आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ देखिए, तो अब देखिए करंट, तो ये देखिए राइट हैंड थंब क्या है, राइट हैंड रूल ये आपको कहता है ठीक है कि करंट की दिशा में आपको अपना थंब ओपन कर लेना है ठीक है। करंट की दिशा में आपको अपना थंब ओपन कर लिए ठीक, और समझ लीजिए करंट यहाँ पे देखिए कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से अंदर से स्क्रीन के बाहर, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको थंब जो है, ये आपका जो थंब है उसको राइट हैंड की दिशा में ओपन करना है ठीक। जो आपका ये फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी उस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये देखिए फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी, फिंगर्स अभी देखिए मेरी किस डायरेक्शन में कर्ल कर ली, इस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट आप मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा ठीक है। सिमिलरली अगर करंट नीचे की तरफ बह रहा है जस्ट लाइक इन दिस फिगर, इस फिगर को अगर हम लोग देखते हैं ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है, एक मिनट इस फिगर के बारे में भी अभी चर्चा कर लेते हैं। ओके देखिए इस फिगर पर आ जाइए ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे ठीक है। जब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखानी है, एग्जैक्टली आपने ऐसे करिए ऐसे करिए ठीक है। तो जो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। आपने थंब नीचे की तरफ पॉइंट किया ठीक है, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे करंट यहाँ पे क्या नीचे की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को खोलना है ठीक है, तो जो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड के थंब को खोलेंगे ठीक है, तो जो फिंगर्स का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा ठीक है। तो सेम चीज़ को इस फिगर में आपको दिखाया है ठीक है। ये क्या था समझ लीजिए, इस ये सर्किट था और ये डिफरेंट प्लेन में है, ये जो प्लेन है और ये जो वायर है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस फिगर को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये प्लेन है और ये जो वायर है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक है। तो अगर हम सेम डायग्राम को अगर हम 2D में देखें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा 3D दिखाया हुआ है, लेकिन अगर हम 2D में देखें तो 2D में आपको ये इस तरीके से वायर ऐसे दिखेगा, ये पॉइंट ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये बैटरी दिखेगी, ये इस तरीके से दिखेगा। यानी ये जो पेपर शीट पे काम हो रहा है वो आपको पेपर शीट का सिर्फ ये पार्ट दिखेगा ठीक है। आप अगर पेपर शीट को ऊपर से देखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी जो करंट है ठीक है, समझ लीजिए इस पेपर शीट पे आपने आयरन फाइलिंग्स ऐसे ऐसे, आयरन फाइलिंग्स क्या होते हैं, आयरन के बुरादे होते हैं, वो आपने पेपर शीट में रैंडमली आपने स्प्रेड कर दिया ठीक। और अगर हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो जो आयरन फाइलिंग्स होंगे वो इस डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐसे 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 आयरन फाइलिंग्स क्या होंगे, आपके एक पैटर्न बना देंगे ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स किस डायरेक्शन में आप पैटर्न बनाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैटर्न बनाते हैं, आपको ये पता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हमने अभी क्या किया है, सीख लिया है ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर करंट ऊपर की तरफ बहता है, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, और अगर नीचे की तरफ बहता है तब कैसे बनेंगी। आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में आपको राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में खोल लीजिए ठीक है। ऐसे करके इस तरीके से आपने राइट हैंड का थंब आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में ऐसे खोल लिया ठीक। तो जो ये देगा, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दे रहा है ठीक है। तो आपने राइट हैंड थंब ऐसे खोल लिया, तो ये जो मिल रहा है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है।
सिमिलरली, सॉरी मेरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था, मुझे लगा कि ये सेशन भी ख़राब। ओके ठीक है, लेकिन वापस आ गया, रीगेन कर गया। ठीक है ओके, आपने करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर्स खोल लिया, ठीक है, तो ये थंब खोल लिया, तो ये जो देगा आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस देगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो जाएगी। ठीक है, जो सर्कुलर कॉयल के फॉर्मेट में होती है, आप देख सकते हैं सर्कुलर है। ठीक, और समझ लीजिए आप इस इधर कंपास रखेंगे, तो वेयर द नॉर्थ विल सो, द नॉर्थ विल सो हेयर, इस दिशा में आपका क्या होगा, नॉर्थ शो करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो नॉर्थ विल सो हेयर, इधर रखेंगे तो नॉर्थ विल सो हेयर। ठीक है, तो डायरेक्शन का ये इंपॉर्टेंस होता है। ओके ठीक है, तो कुछ और भी चीज़ें हम लोग जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एग्जॉस्टिव हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको बताते हैं। ठीक है, आप कोचिंग में आएंगे तो पूरा एग्जॉस्टिव लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इवन कुछ समय में हम लोग भी चाहेंगे कि आपके लिए एक एग्जॉस्टिव लेक्चर सीरीज़ बनाई जाए। ठीक है, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम हम लोग अभी एक बेसिक सीरीज़ को वो कर रहे हैं, बेसिक सीरीज़ को अभी डाल रहे हैं। ठीक है, क्या है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी, जैसे वो किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर करंट इस वायर में जैसे बढ़ाया जाएगा, करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है ओके, समझ लीजिए हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इस पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इधर है तो वायर से दूरी, जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम दूरी होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग इन दो पॉइंट को, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दो पॉइंट को याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और जो कि हमें अच्छे से समझ में भी आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर देखते हैं। ठीक है, देखिए मैक्सवेल ने एक कॉर्क स्क्रू रूल दिया था, कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू रूल दिया था, क्या किस लिए दिया था? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था, किसने दिया था? मैक्सवेल, कॉर्क स्क्रू रूल था। जैसे कि आप जब स्क्रू जैसे पेच कस रहे होते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग इस तरीके से घुमाते हैं तो क्या होता है, पेच अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और जब आपको खोलना होता है तो आप उल्टी उल्टी दिशा में घुमाएंगे, जैसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, पेच अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे हाथ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे आपको क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका कहाँ की तरफ जा रहा है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और आप किस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं, जैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जस्ट लाइक दैट। अगर हमें बाहर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, और वो क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको इसको, जैसे आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि टोटी है, टोटी है मतलब नल। ठीक है, तो टोटी के आप कैसे खोलते हैं, ऐसे खोल ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, और तो क्या होता है, बंद होता है ना, बंद होता है, तो क्या मतलब है कि टोटी बंद हो गई। ठीक है, अंदर की तरफ ब्लॉक हुआ तभी तो बंद होगी ना। ठीक है, और खोलना होता है तो आप उल्टा घुमाते हो। ठीक है, इस तरीके से जब आप उल्टा घुमाते हो, ठीक, तो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो टूटी खुलेगी। और सिमिलरली मतलब कॉर्क स्क्रू के हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि इस तरीके से जब आप घुमाते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो आपका जो स्क्रू होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया तो आपका स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, लेकिन अगर आपको
स्क्रू को जैसे दीवार में फिट करना है, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये अंदर की तरफ जाता है, दीवार में फिट हो जाता है। तो ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। ठीक, तो ये जो था ये एक था बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रो था, इंट्रो था कि जब करंट कैसे पास हो, करंट आपका स्ट्रेट स्ट्रेट वायर में पास हो रहा है, स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर में पास होगा, तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अगर सर्कुलर वायर में करंट पास हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर वायर में जैसे कि करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होने वाला है। एक मिनट रुक जाइए, मैं स्क्रीन थोड़ा सा बैठ सही कर दे रहा हूँ। यस, ये देखिए, समझ लीजिए हमारे पास सर्कुलर कॉइल था, ठीक है, यहाँ से बैटरी था, ये इस तरीके से ऐसे आया और इस तरीके से ऐसे करंट चला गया। ठीक है, ये जो आपको दिखा दिया है फिगर, ये टोटली समझ लीजिए, मैं इसको एकदम 2D डायग्राम बना देता हूँ, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पेपर दिखेगा और यहाँ पे आपको एक पेपर दिखेगा। इस पेपर को जब आप ऊपर से देखेंगे, समझ रहे हैं, ये इस जब इस पेपर को आप ऊपर से देखेंगे तब आपको ये पैटर्न इसमें दिखेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, करंट जा रहा है, ठीक है, तो करंट यहाँ पे, अगर समझ लीजिए ये पेपर स्क्रीन में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट अस से कि ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये थोड़ा सा 2D में समझाना थोड़ा सा टफ है। ठीक, ये फ्रंट व्यू है, अगर हम इसी चीज़ का सेम फिगर का अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें ये पेपर दिखेगा, ये वाला पेपर, ठीक है, मैं थोड़ा और बेटर बना देता हूँ ये। हाँ, तो इसी के नीचे बनाते हैं, सिंस मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम तो मैं बना ही सकता हूँ। हाँ, यहाँ से करंट आता हुआ दिखेगा और इसको मैं इधर ऐसे बनाऊँ, तो ये पेपर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ से ऐसे करंट आता हुआ जाएगा और यहाँ से करंट ऐसे जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका ऊपर से टॉप व्यू है, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, लेकिन इसमें जो ये डायग्राम दिया हुआ है ये टॉप व्यू का डायग्राम है। ठीक है, आप इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा। ठीक, तो जब यहाँ से ऐसे पेपर पेपर यहाँ पे ऐसे पेपर दिख रहा है आपको, क्योंकि फ्रंट व्यू में तो आपको पेपर ऐसे दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में आप पेपर का एक्चुअल वो समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे नीचे जा, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, टॉप व्यू है ऐसे, तो यहाँ पे ये ऐसे भी बनेगा, ठीक है, ये जबकि उल्टा बन जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये ऐसे बनेगा, ठीक, और यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका ये इस तरीके का बनेगा। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, सिर्फ इस पॉइंट पे बात करें, तो पेपर के ऊपर देखिए करंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, करंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो इसके अराउंड कैसा बनता है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो वही ये वो यही दिखा रहे हैं, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कुलर ऐसे ऐसे करते हुए गया 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 गया, अब यहाँ से क्या नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसके अराउंड कैसा बनेगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम चीज़ को हम इधर बना रहे हैं। ठीक, ये नीचे करंट जा रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सर्कुलर कॉयल के जो मिड में होगा, ठीक है, मिड में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अगर हम 2D में बनाएं, क्योंकि ये 3D है, मतलब आई मीन 3D है, और 3D डायग्राम को इस 2D डायग्राम में समझना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो फ्रंट में आपको दिखेगा, ठीक है, फ्रंट में क्या दिखेगा कि ये जो लाइन है, ठीक है, आप फ्रंट से अगर देखेंगे तो ये लाइन अंदर की तरफ ऐसे जाती हुई लगेगी, ठीक है, ये अंदर की तरफ ऐसे जाती हुई लगेगी, अगर इसको टॉप से देखेंगे, ठीक है, टॉप से देखेंगे तो आपको ये लाइन ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे अंदर जाते हुए, ठीक है,
और अगर फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से ये आपको ये ऐसे दिखेगा, लेकिन टॉप से देखेंगे, टॉप से आपको ये लाइन ऐसे जाते हुए लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपका सर्कुलर कॉइल में करंट बह रहा होता है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इस तरीके से कुछ बनती है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बेटर डायग्राम से थोड़ा सा और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2D 3D डायग्राम्स ले आया हूँ, क्योंकि 3D डायग्राम से ही थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और निगेटिव टर्मिनल से करंट बह रहा है, ये क्या बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसा बना रखा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बना रखा है, ठीक है। ये आपको अब दिख रहा होगा कि पेपर जो है वो करंट और पेपर के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये करंट डिफरेंट प्लेन में है और पेपर डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि करंट यहाँ से बह रही है, ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पे भी करंट देखिए ऐसे बह रही है, ठीक है, और इसके अराउंड तो ऐसे बन जाता है, फिर ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक, उसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके का कुछ बनता है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, क्लॉक फेस रूल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लॉक फेस रूल क्या होता है। क्लॉक फेस रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक, तो क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि अगर सर्कुलर क्वाइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, सर्कुलर क्वाइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर आपको बह रहा है, ठीक, तो ये देखिए, अगर सर्कुलर क्वाइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर बह रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे बनाइए, तो इस तरफ आपकी तरफ, आपकी तरफ क्या आएगा? नॉर्थ आएगा, ठीक है, उस तरफ क्या जाएगा? उस तरफ साउथ जाएगा, ठीक है, आपकी तरफ क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। अगर क्लॉकवाइज करंट अगर बह रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ही आप जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर दीजिए, ऐसा बना लीजिए। देखिए, ये इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। तो ये आपकी तरफ क्या देगा? आपकी तरफ साउथ देगा, और इस तरफ आपका यानी स्क्रीन के पीछे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, और आपकी तरफ क्या आएगा? साउथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? स्क्रीन के आगे की तरफ नॉर्थ है, आपकी तरफ नॉर्थ है, और स्क्रीन के पीछे की तरफ क्या है? स्क्रीन के पीछे की तरफ आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करंट विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल, नॉर्थ हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज, सो दिस फेस ऑफ द, यानी कि जो आपकी तरफ वाला फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और स्क्रीन के पीछे वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या है? आपकी तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और स्क्रीन के पीछे वाला फेस आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेक्चर 2, ठीक है। सो दिस इज, मैं एक फिर से बता दे रहा हूँ कि ये हम लोग बहुत ही बेसिक सीरीज बना रहे हैं, बेसिक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिव करिकुलम आपको क्लासरूम में प्रोवाइड कर ही किया ही जा रहा है, ठीक है। आप लोग बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग क्लासरूम आने से पहले एक बार देख लीजिए चीज़ों को, और इवन घर जाने के बाद भी एक बार चीज़ों को देख लीजिए, जो भी डाउट्स हैं, सारे प्रोसेसेस हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्लासरूम में आप आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग आपके सारे डाउट्स को और क्लियर करेंगे, बेटर करेंगे, ठीक है। और आई मीन, यहाँ पे मैं आधे घंटे में लेक्चर लिया हूँ, बट क्लासरूम में ये 2 और 3 डेज में मैं पूरा पूरा इसको कवर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर एक इंटरेक्टिव माहौल भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को जब तक उन्हें नहीं समझ में आता है चीज़ों को समझाते हैं। और ये इतना इतना 3D विजुअलाइजेशन इतना ज़्यादा है इसमें कि आई डोंट थिंक कि ये आपको एक स्क्रीन पे समझ में आ पाएगा,
ठीक है, बट एनी वेज वॉट वी कैन डू द बेस्ट, जो भी हम कर सकते हैं वो हम लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद इस क्लास के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।